साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो किसान भाइयों के द्वारा आए हुए इनपुट्स पर आधारित है। कुछ किसान साथियों ने अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर वीडियोस सेंड किए हैं, कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, कुछ ने कमेंट बॉक्स में अपने खेतों की सिचुएशन बताने की कोशिश करी है। हालांकि ज़्यादातर मैं वही वीडियोज़ बनाता हूँ जो कि मैं ज़्यादातर विजिट करके खेतों में देखता हूँ कि हाँ ये सिचुएशन चल रही है, इस पर किसान भाइयों को बताना चाहिए। तो ये कंडीशन भी ज़्यादातर आपके खेतों में हो सकती है क्योंकि ये सभी किसान भाइयों का एक कंक्लूजन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे उन सभी रोगों के बारे में जो किसान भाइयों को अभी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और किसान साथियों को इन पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। साथियों यहाँ पर कुछ जो रोग हैं उनकी दवाएं कॉमन हो सकती हैं, तो आप ये ना समझें कि किसी दवा को बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप अपने खेत की सिचुएशन के हिसाब से आप पहले सिचुएशन समझें और फिर उस दवा से अपने खेत की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों यहाँ पर जो आप खेत में देख पा रहे हैं ये खेत कुछ इस टाइप का है जिसमें कि पहले पौधे में बकानी हुई हो, बकानी होने के बाद में हमने दवा लगा दी और बकानी का पौधा यहाँ पर सूख कर मुरझा कर ख़त्म हो गया है और उसके बाद में इसमें टॉप बोरर के सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। कुछ खेतों में कुछ इस टाइप के पौधे भी हो सकते हैं कि बकानी या टॉप बोरर आया और हमने उसमें कोई भी कीटनाशक अभी नहीं लगाया है, तो वहाँ पर जो पौधे ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं वो वहाँ पर ख़त्म होकर गिर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो जाती हैं। यदि आपने बकानी आए हुए खेत में फिफ्रोनिल लगा दिया है और आपके खेत के ये कुछ पौधे जिनमें बकानी आई हुई थी सिर्फ वही सूख कर गिर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके खेत में कुछ इस टाइप के कंडीशन हैं कि बकानी के पौधे सूख रहे हैं और उसके बराबर से आपको फुटाव देखने को मिल रहा है, तो वो पौधे स्वस्थ होंगे, उसमें बालियां निकलेंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। साथियों कुछ खेतों में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिनमें टॉप बोरर आ रहा होता है और हमारे पौधे की गोव सूख रही होती है, खींचने पर वो खींच जाती है और नीचे उसमें गिडार भी निकलती है, हमने कोई भी कीटनाशक नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हमें तुरंत कीटनाशक लगाने की ज़रूरत होगी। साथियों कीटनाशक में आप यहाँ पर कोराजन ले सकते हैं 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और उसका स्प्रे करके आप अच्छे रिजल्ट जरूर ले पाओगे। कोराजन करते समय आप 75 ml में लगभग 250 लीटर पानी ज़रूर मिक्स करें, खेत में नमी बनाकर रखें जब स्प्रे कर रहे हो, और दूसरा जब भी आप स्प्रे कर दें उसके बाद भी दो पानी रेगुलर बेसिस पर ज़रूर लगाएं ताकि खेत में नमी बनी रहे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक अगली सिचुएशन है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। ये फोटो उस टाइप के खेतों का है जैसे कि हल्की सी ऊसर मिट्टी होती है और ऊसर मिट्टी होने के कारण खेत में पानी जमा हो रह जाता है कई दिनों तक और पौधे का विकास नहीं हो पाता। पौधे कुछ झुंडी नुमा होने के बाद में रुक जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। अब इस कंडीशन में कुछ पौधों के अंदर गिडार भी आ जाती है यानी कि सुंडी का इफेक्ट भी हो जाता है, तो ये पौधे की जो ग्रोथ रुकती है ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो तो रुकती है फंगस की वजह से, लेकिन इसमें जो पौधे अब सूख रहे हैं ये पौधे सूख रहे हैं आपके सुंडी की वजह से, तो यहाँ पर इस सुंडी को ख़त्म भी करना है और हमें फंगस से भी निजात पानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो काम करने होंगे, या तो हम कीटनाशक को बुरकाव के माध्यम से लगा दें और स्प्रे के माध्यम से हम फंगिसाइड लगा दें। अब इसे कैसे मैनेज करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो ऊसर मिट्टी है तो वहाँ पर चूना बहुत कारगर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारे खेतों में जैसा कि आप देख रहे हो कुछ पत्तियों का कलर पीला हो रहा है, ठीक है, तो फेरस सल्फेट की भी कमी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे खेत में यहाँ फंगस है, पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें फंगिसाइड की ज़रूरत है। अगला हमारे पौधे के तनों में लगने वाले जो कीट हैं उनको हमें ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हमें चूना लेना है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास में फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम लेना है, यूरिया खाद 35 किलोग्राम मिक्स करना है, इसके साथ में फटेरा हमें 6 किलोग्राम मिक्स करना है, मिक्स करके बुरकाव करना है, और ह्यूमिक एसिड अगर उपलब्ध हो तो 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी कारगर साबित होगा, ठीक है। ये बुरकाव कर दें और दो दिन के बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम लें, उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम मिक्स करें और यूरिया खाद 500 ग्राम मिक्स करके एक स्प्रे दे दें, ठीक है। ये आपके खेत का इस टाइप के खेत का ट्रीटमेंट बढ़िया होगा। साथियों यहाँ पर जो आप खेत देख रहे हैं इसमें इमेज में
आप दिखाई दे रहा होगा, ये है रेड वॉर्म। इस बार किसान साथियों को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और बहुत ज़्यादा हमारी फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। रेड वॉर्म क्या करता है कि हमारे पौधे में निकलने वाली जो क्राउन रूट्स होती हैं उन्हें खा जाता है और पौधे का विकास नहीं होता। इससे हमारे पौधे का सामूहिक विकास प्रभावित होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए यदि हमने पिप्रोनिल और थायमोथॉक्सम का स्प्रे 15 से 20 दिन पर दे दिया है तो ये नियंत्रित हो गया होगा। अगर अभी भी आपके खेत में ये रेड वॉर्म है तो उसे नियंत्रित करने के लिए अभी आप लगभग 25 से 30 दिन वाली अवस्था में एक कीटनाशक तो ज़रूर डालेंगे ही, या तो नीला तोता डालेंगे या फिर फटेरा आप नीचे बुरकाव के माध्यम से लगाएंगे। अगर ये भी नहीं लगाने वाले हैं तो आप स्प्रे के माध्यम से यहाँ पर फिप्रोनिल प्लस थायमोथॉक्सम का एक स्प्रे दे दीजिए, इससे ये नियंत्रित हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो आप खेत देख रहे हैं ये खेत कुछ उस टाइप का है कि जैसे मिट्टी हमारे खेत की कुछ जैसे खींची हुई मिट्टी होती है, मिट्टी में कम एनर्जी होती है, उस मिट्टी में इस टाइप के पौधे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, झुंडी नुमा पौधे हो जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर फेरस सल्फेट, चूना प्लस यूरिया खाद तीनों को मिक्स करना है। ह्यूमिक एसिड यहाँ पर मिक्स करना है हमें लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, मिला के बुरकाव कर देना है। बुरकाव करने के बाद में स्प्रे के माध्यम से हमें यहाँ पर खाद देना होगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस यूरिया खाद प्लस ह्यूमिक एसिड, इनका आप एक स्प्रे दे दीजिए ये। और हमें जो भी चूना वाला खाद है बुरकाव के माध्यम से लगाने वाला, उसमें फटेरा हमें 6 किलोग्राम ज़रूर डालना होगा, ठीक है, तब ये रोग भी नियंत्रित होगा और इसमें फंगस है, फंगस को भी ये कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है, पौधे तभी आपके यहाँ पर विकास करेंगे। दूसरा, आपको लगभग 8 से 10 दिन के बाद में यहाँ पर एक स्प्रे एनपीके का और उसके साथ में एक हैवी कीटनाशक कोराजन भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों अगर ये सिचुएशन आपके खेत में है कि पौधा सही चल रहा है, स्वस्थ है, तो यहाँ पर पौधे के जो हल्के पीलापन का कारण है वो आपके खेत में लगा हुआ ज़्यादा समय पहले का खाद है, यानी कि खाद के बीच में गैप हो गया है, उसकी वजह से हल्का पीलापन आ रहा है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप एक नॉर्मली डोज बना लें, डोज तीसरे नंबर की डोज होगी, इसमें आप यूरिया खाद प्लस सागरिका या DAP ले सकते हैं। यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ सागरिका 10 किलोग्राम या DAP 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड आप यहाँ पर 1 किलोग्राम मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप बुरकाव नहीं करना चाहते हैं तो स्प्रे के माध्यम से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 250 ग्राम, उसके साथ में आप यूरिया खाद 500 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला के स्प्रे भी दे सकते हैं। आपके खेत में कलर जितना भी ज़बरदस्त होगा वो ग्रीननेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी पीलापन आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा और पौधे की विकास भी बढ़िया होगा। ये पौधा फुटाव के लिए तैयार है। यहाँ पर बुरकाव किया गया खाद ज़्यादा कारगर साबित होगा, ठीक है। बुरकाव करने के बाद अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 2 दिन के बाद में स्प्रे लगा सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। कुछ किसान साथी यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने धान अभी अगेते लगाए हुए हैं और उनके खेतों में बालियाँ अब लगभग गोब में आ रही हैं। तो देखिए ये सिचुएशन उन किसान साथियों के खेतों में होती है जिनके खेतों में ज़्यादा सघन विधि से लगाया हुआ धान होता है और उसमें हवा पास न होने के कारण उनके पौधे के तनों में ब्लाइट आ जाती है। अब इस ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होते, हमें यहाँ पर हैवी फंगिसाइडों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप कासुगामाइसिन मिक्स करें, कासुगामाइसिन 250 ml मिक्स कर सकते हैं और कॉपर 250 ग्राम के साथ में मिक्स करके आप स्प्रे दे दें। ये अभी के समय की सबसे बेस्ट स्प्रे होगी इसे नियंत्रित करने के लिए। ये हमें बहुत लंबे समय तक नहीं खींचना है वरना फिर ये रोग हमारी बालियों तक भी चला जाएगा और बालियों में जाके ये फिर नियंत्रित नहीं हो पाता, हमारी बालियां काली भी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो और ये जो सिचुएशन है ये हॉपर का रूप धारण कर लेगी, ये हॉपर की फर्स्ट स्टेज कही जा सकती है। अगर हॉपर आपके खेत में आया तो ये आपको ज़्यादा समय नहीं लेगा, 1 से 2 रात के अंदर ही ये सारे खेत को कवर अप कर लेता है। तो ये सिचुएशन आपकी खतरनाक होगी, इसीलिए इसे यहीं पर नियंत्रित कर लें, ठीक है। साथियों अगर आपके खेत में इस टाइप की कंडीशन दिखाई दे रही है तो ये तब होता है जब पौधे की बालियां गोब में होती हैं और बालियां गोब में आने से पहले की कंडीशन होती है जहां पूरा पौधा स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन 2-4 जो हमारे फुटाव होते हैं उनमें हमारे पौधे की गोब में सुंडी होती है और खींचने पर वो खींच जाती है और गिरार निकलती है। इसे मैनेज करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम अभी आखिरी खाद के रूप में कोई खाद लगा रहे हैं तो उसमें हम फटेरा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करें, या फिर दूसरा एक ऑप्शन ये है कि हम कोराजन का स्प्रे करें।
कोराजन ही क्यों? कोराजन इसलिए कि अगर आपने हल्के खाद यहाँ पर लगाई या हल्का कोई भी कीटनाशक लगाया तो वो अभी फिलहाल में सुंडी को कंट्रोल तो करेगा, लेकिन वो 8 दिन तक ही सिर्फ कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद में आपके पौधे की जो गोब में बालियाँ निकलेंगी वो सूखी निकलेंगी, क्योंकि जो सुंडी तने के अंदर है वो आपके पौधे के तने को काट देगी और तना यहाँ पर पूरी तरह से सूखा हुआ निकलेगा। सफ़ेद बालियाँ निकलने पर आप कुछ नहीं कर पाओगे और ये आपके उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। इसलिए आपको यहाँ हैवी कीटनाशक की ज़रूरत है, चाहे बुरकाव के माध्यम से लगाएं, चाहे आप स्प्रे के माध्यम से लगाएं। अब यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, कुछ किसान साथी कह रहे हैं कि बालियाँ निकल रही हैं लेकिन वहाँ पर हमें तितली उड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, यहाँ बिल्कुल सतर्क हो जाओ। अगर आपके खेत में इस टाइप की तितली कहीं भी कभी भी उड़ती दिखाई दे रही है, आप यकीन मानिए इसके 10 दिन के बाद में आपके खेत में तनाछेदक आने वाला है। अगर इस टाइप की कंडीशन दिखाई दे रही है तो आप इस तितली को नियंत्रित करने के लिए चाहे कुछ भी ना हो तो क्लोरोसाइफर का स्प्रे कर दीजिए। 250 ml लेकर एक स्प्रे लगा दीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तितली नहीं बैठनी चाहिए आपके खेत में, ठीक है? ये तितली नहीं बैठेगी तो आप यकीन मानिए खेत में अंडे नहीं रखे जाएंगे, लार्वा नहीं बनेगा और लार्वा से कीट भी नहीं बनेगा। साथियों, इसे कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी स्प्रे की ज़रूरत होती है और सही समय की पहचान आपको ज़रूर करनी होगी। अगर ये तितली हमारे खेत में नहीं आती है तो हमारे खेत से तना छेदक काफ़ी हद तक दूर रहेगा, नियंत्रित रहेगा। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि इस तितली की पहचान हमें अगर मानो 10 दिन पहले हो भी गई है तो हम किस टाइप से कंट्रोल करें। तो उसके लिए आपको एक कीटनाशक की ज़रूरत पड़ेगी। लार्वा वाली जो सिचुएशन होती है उसमें हम लार्वा को भी नियंत्रित कर सकते हैं, कीट को भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरेंटर नीलीप्रोल वाले साल्ट ही लगाने होंगे, ठीक है? अगर लार्वा आपके खेत में बन चुका है तो आप यहाँ वॉल्यूम फ्लेक्सी या एम्प्लीगो का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 8.5 से 9% तक क्लोरेंटर नीलीप्रोल होता है, वो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है? दूसरा, अगर आपके खेत में ये इस टाइप की सिचुएशन है, ये है यहाँ पर पत्ता फोल्डर, जिसे हम बोलते हैं लीफ फोल्डर भी बोला जाता है, और इसे हम पत्ता मरोड़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे किसान साथियों के खेतों में ये हल्के रूप में आता है, तो जहाँ हल्के रूप में आ रहा है वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारी गोव की बालियों तक ये बढ़ रहा है और लीफ फोल्डर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है तो देखिए यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत होती है। हल्के कीट को ख़त्म करने के लिए जहाँ पत्तियाँ खुली हुई हैं वहाँ तो लैम्डा काफ़ी होता है, लैम्डा का स्प्रे कर दो पत्तियों में, जैसे ही वो जाएगा वो गिटार को ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर लीफ फोल्डर ज़्यादा घना हो चुका है तो वहाँ पर इमीडा प्लस लैम्डा दोनों का स्प्रे करना होगा। लैम्डा हमें 250 ml लेना है, इमीडा 100 ml मिक्स करके तब स्प्रे करेंगे, तब ये गिटार ख़त्म होगी, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर जिन भी किसान साथियों ने ये फ़ोटो भेजा है उन किसान साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सिचुएशन आपकी लगभग 20 से 22 दिन की 23 दिन वाली है और यहाँ पर दो खाद आपके लग चुके हैं। यहाँ पर मिट्टी कुछ बैठी हुई है आपके खेत की, इस वजह से ये पत्तियाँ थोड़ी सी हल्की पीली महसूस हो रही हैं। हालांकि अगर आप एक खाद लगाएंगे तो ये पूरी तरह से मैनेज हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, यहाँ पर आप वही तीसरा डोज मिक्स करें, यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ में आप यहाँ पर या तो सरसों की खली ले लें 10 किलोग्राम समथिंग, और या फिर आप DAP डायमोनियम फॉस्फेट 20 किलोग्राम मिक्स कर सकते हैं। अगर DAP भी नहीं है तो सागरिका आप 10 किलोग्राम मिक्स कर सकते हैं, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुरकाव कर दीजिए, आपके खेत में बढ़िया ग्रोथ होगी। दूसरा, यहाँ पर जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये उन किसान साथियों की है जिनके खेतों में बालियाँ गोब में तैयार खड़ी हैं और वो पूछना चाहते हैं कि पोटास और बोरोन का स्प्रे कब करना चाहिए। तो देखिए ये एक आदर्श सिचुएशन है, इस कंडीशन में आप अगर स्प्रे करेंगे आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बोरोन और पोटास का सबसे सही समय होता है। इसके बाद परागण स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और परागण में जब हम स्प्रे करते हैं तो परागण हमारा प्रभावित होता है, उससे हमारी बालियों में दाने बनने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए ये सबसे सही सिचुएशन होती है जब बालियां हमारी कुछ हद तक गोब से बाहर निकली होती हैं। आप इस सिचुएशन में 1 किलोग्राम पोटास प्लस बोरोन 100 ग्राम मिक्स करके स्प्रे करें, और स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि स्प्रे सीधे बालियों पर ना हो, थोड़ा ऊपर फुहारा लेकर चलें, हल्का फुहारा आपको रखना होगा। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।